ये हमारे जिसे हम बैगन भाजा कह सकते हैं, दिस इज़ अ बंगाली रेसिपी। और इसमें सिर्फ हमें इस तरीके से राउंडल्स में ब्रिंजल को कट करना है। आप चेक कर लीजिए कि कहीं से भी ब्रिंजल ख़राब तो नहीं है, और फिर उसके बाद नाइफ को पेन की तरह करके इसके ऊपर ऐसे ऐसे हमें छीरे लगाने हैं। ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि जिससे जब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे मस्टर्ड ऑयल में तो अच्छे से सारा फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। और उसके पहले हम लोग इसे हल्दी और लाल मिर्च पाउडर से मैरिनेट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसे प्लेट में अच्छे से सजा लिया है। ये हमारे राउंडल्स रेडी हो गए हैं। हमें इसको सबसे पहले डालना है सॉल्ट। अच्छे से इसी में हमने सारा का सारा सॉल्ट मिलाना है, बिकॉज इसके अलावा और कहीं सॉल्ट हम ऐड नहीं करने वाले हैं। ये रही हमारा मसाला बॉक्स। इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक, चुटकी भर हल्दी। अच्छे से सारे राउंडल्स पे हल्दी पहुँच जाए और लग जाए। बहुत थोड़ी सी रेड चिली पाउडर बिल्कुल नाम के लिए। और मस्टर्ड ऑयल, जिससे ये अच्छे से कोट हो जाए और मैरिनेट हो जाए। इस तरीके से हमारे बस इसे हमें शैलो फ्राई करना है जब तक ये रेड ना हो जाए, और बस सर्व कर देना है। As you can look, this is now turning wonderfully golden brown in color. That means ki our brinjals are done and it is ready to eat. So bas hame baki ke sare brinjals isi tarike se red roasted brown shallow fry kar lene hain, aur inhe puris ke sath, parathos ke sath, pulao ke sath, kisi bhi cheez ke sath bahut behtareen tarah se enjoy kiya ja sakta hai. Ye dekhiye hamare वंडरफुल ब्रिंजल्स आर रेडी। मैंने इन्हें इस तरीके से डेकोरेट किया है, इज़ अप टू यू, आप कैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये भी आपके लिए है कि आप चाहे तो इसको थोड़ा सा चाट मसाला